स्वागत है। आज हम बात करेंगे सात ऐसी राजनीतिक हस्तियों की जिनके योगदान के बिना हिमाचल आज देश और विदेश में अपना नाम नहीं बना सकता था। हम बात कर रहे हैं हिमाचल के उन सात चीफ मिनिस्टर्स की जिन्होंने अपना राजनीतिक योगदान दिया और हिमाचल को उस स्तर पे लेके गए जिसे आज पूरा विश्व मानता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नया एजुकेशनल वीडियो डालें। तो हम बात कर रहे हैं आज ऐसे चीफ मिनिस्टर की जिनके नाम पे नॉनिंग का हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज नाहन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज नाहन में है। इसके अलावा भारत सरकार ने 60 पैसे का एक डाक टिकट भी निकाला हुआ है। साथ में ही उनके नाम से साहित्य अवार्ड हर साल लोगों को दिए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हमारे पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की। इन्हें हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। 4 अगस्त 1906 को चनालक गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, डॉक्टर वाई एस परमार का जन्म हुआ था। डॉक्टर वाई एस परमार ने अपनी प्राथमिक शिक्षा नाहन में पूरी की थी और सन 1926 में वो लाहौर चले गए थे बीए ऑनर्स करने। उन्होंने अपने एलएलबी, एमए और पीएचडी लखनऊ से पूरी की। उसके बाद उन्होंने बतौर मैजिस्ट्रेट सिरमौर में ही अपनी सेवाएं दी 1930 से लेकर 1937 तक और सेशन जज का कार्यभार संभाला 1937 से लेकर 1940 तक। उसके बाद वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी नॉमिनेट हुए 1948 में। डॉक्टर वाई एस परमार की शादी 2 बार हुई थी। पहली शादी उनकी 26 जनवरी 1924 को हुई श्रीमती चंद्रावती चौहान से जो कि अलीगढ़ को बिलोंग करती थी। उनके इस शादी से 4 बच्चे हुए। पद्मावती की डेथ 1969 में हुई और इसके बाद डॉक्टर वाई एस परमार ने 1974 में फिर से शादी की जो सत्यवती ढांग से हुई। सत्यवती ढांग राज्यसभा की मेंबर थी और सत्यानंद स्टोक्स की बेटी थी। सत्यानंद स्टोक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमाचल को एप्पल इंट्रोड्यूस करवाया था। डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पहला कार्यकाल उन्होंने 1952 से लेकर 1956 तक किया और दूसरा कार्यकाल उनका था 1963 से लेकर 1977 तक। उन्होंने 13 साल और 211 दिन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्व किया है। डॉक्टर वाई एस परमार को हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करवाए। उन्होंने पंजाब और हिमाचल को इकट्ठा करने की बगावत की थी और इसी के चलते उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर पद 1956 में छोड़ दिया था। दूसरी बार हिमाचल प्रदेश ने उन्हें फिर से जिताया और 1 जुलाई 1963 को वो हिमाचल के फिर से चीफ मिनिस्टर बने और 1977 तक वो चीफ मिनिस्टर का कार्य करते रहे। 7 जुलाई 1929 को ठाकुर रामलाल जी का जन्म हुआ था जुब्बल कोटखाई के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उन्होंने 9 बार अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीते। सन 1957 में उन्होंने पहली बार विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई से जीत हासिल की और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने काफी सारे रोल प्ले किए, चाहे फिर वो लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, चीफ मिनिस्टर का रोल हो या फिर गवर्नर का रोल हो। उन्होंने सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1962,
1967, 1970, 1980 और 1982 में चुनाव जीते। पहली बार 28 जनवरी 1970 को उन्हें मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया और 30 अप्रैल 1970 तक उन्होंने इस पोस्ट पे कार्य किया। इसके बाद 14 फरवरी 1980 से लेके 7 अप्रैल 1983 तक वो फिर से मुख्यमंत्री पद पर बने। उन्होंने टोटल 1048 दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया। वो कार्यकाल उन्होंने 15 अगस्त 1983 से लेके 29 अगस्त 1984 तक किया। सन 2002 में उनकी शिमला में मृत्यु हो गई। उनके पोते ठाकुर रोहित आज भी एमएलए हैं जुब्बल कोटखाई से। जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले हमारे तीसरे मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी, जिनका जन्म 12 सितंबर 1934 को हुआ गढ़चिमूला क्षेत्र में। 52 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने जाने कितने ही रोल प्ले किए हों, फिर चाहे वो ग्राम पंचायत के प्रधान हों, जिला परिषद मेंबर हों, प्रेसिडेंट हों, विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए एमएलए हों, चीफ मिनिस्टर हों, ओपोजिशन के लीडर हों या सेंटर में मिनिस्टर हों। श्री शांता कुमार जी ने अपना राजनीतिक करियर सन 1963 में ग्राम पंच के रूप में गढ़जमूला से शुरू किया था। इसके बाद वो पंचायत समिति भवारना के मेंबर बने और उसके बाद जिला परिषद के कांगड़ा के प्रेसिडेंट रहे 1965 से लेके 1970 तक। 1972 में उन्होंने पहली बार विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा और 1985 तक वो एमएलए के तौर पे उन्होंने कार्य किया। उन्होंने तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी 1977 में कार्य किया और 1980 तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद 1990 से लेके 1992 तक वो फिर से मुख्यमंत्री पद पे नियुक्त हुए। अपने नो वर्क नो पे के कारण जाने जाते थे शांता कुमार जी। इसके बाद 1992 में वो 9वीं लोकसभा क्षेत्र के लिए कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए। 1998, 1999 और 2014 में वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा क्षेत्र के लिए लोकसभा के लिए चुने गए। शांता कुमार जी ने 1999 से लेकर 2002 तक और उसके बाद 2002 से लेकर 2000 तक चार तक सेंट्रल मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट पे बतौर मिनिस्टर काम किया, जिसमें से कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट शामिल है। उनकी शादी श्रीमती संतोष शैलजा से हुई थी 1964 में, जिनकी कोरोना काल में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। श्री शांता कुमार जी एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें से हिमालय पर लाल छाया, धरती बलिदान की और दीवार के उस पार काफी सारी फेमस उनकी बुक्स हैं। राजा साहब के नाम से जाने जाने वाले हमारे चौथे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, जिनका जन्म 14 जून 1934 को
सरहान में हुआ। वो एक राज घराने में पैदा हुए और अपनी एजुकेशन उन्होंने पहले शिमला से, फिर देहरादून से और उसके बाद दिल्ली से ली। वो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। राजा वीरभद्र सिंह 9 बार बतौर एमएलए जीते और 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। राजा साहब की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी उनकी जुब्बल की प्रिंसेस रत्ना कुमारी से हुई। रत्ना कुमारी जी की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी शादी 1985 में प्रतिभा सिंह जी के साथ हुई, जो कि लोकसभा क्षेत्र मंडी से इलेक्शन जीती। राजा साहब लोकसभा से 1962, 1967, 1971, 1980 और 2009 में इलेक्शन जीते और यूनियन मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी के राज में। वो सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। उन्होंने 1983 से लेके 1990 तक और 1993 से लेके 1998 तक, 2003 से लेके 2007 तक और 2012 से लेके 2017 तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उनके बेटे श्री विक्रमादित्य सिंह अभी भी एज एमएलए अपॉइंटेड हैं शिमला रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु 8 जुलाई 2021 को मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुई। हमीरपुर जिले से संबंध रखने वाले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1944 को समीरपुर में हुआ। धूमल जी ने अपना करियर एज अ इंग्लिश लेक्चरर दुआबा कॉलेज जालंधर में शुरू किया और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। राजनीति में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा 1984 में और वो चुनाव हार गए। इसके बाद उसी सीट से 1989 में, 1991 में और 2007 में वो लोकसभा के लिए बतौर एमपी चुने गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 1998 में अपना लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उसे जीते। धूमल जी 2003 में लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रहे हैं और उनका बेटा श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में। मंडी जिला के सिराज से ताल्लुक रखने वाले जयराम ठाकुर जी, जिनका जन्म 6 जनवरी 1965 को सिराज में हुआ। वो 6 बार सिराज से एमएलए रहे हैं। उनकी प्राइमरी एजुकेशन कुरानी स्कूल मंडी में हुई। बिल्कुल ही साधारण परिवार से संबंध रखने वाले ये ठाकुर साहब पहली बार अपना इलेक्शन एवीपी के थ्रू लड़े थे और जीते थे। 1999 से लेके 1993 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के सेक्रेटरी रहे। इसके बाद 1993 से 1995 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट मंडी 2002 से लेके 2003 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे स्टेट के। 2003 से 2005 तक प्रेसिडेंट रहे स्टेट भारतीय जनता पार्टी के। 1917 में जब बीजेपी दो तिहाई बहुमत से जीती और
सुजानपुर से चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल अपनी सीट हार गए, तो इन्हें मुख्यमंत्री का पद भार दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की का विवाह डॉक्टर साधना ठाकुर से हुआ था और वो आज की डेट में लीडर ऑफ ओपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। नादौन तहसील के छोटे से गांव सेरा से में जन्मे हमारे करंट सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जन्म 27 मार्च 1964 को हुआ था। वो नदौन विधानसभा क्षेत्र से 4 बार के एमएलए रह चुके हैं। वो इससे पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे 2013 से लेके 2019 तक। सुखविंदर जी ने लॉ की पढ़ाई की है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से और अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो भी इन्होंने यूनिवर्सिटी से शुरू किया था NSAI की तरफ से। ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2 बार शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से चुनाव जीते हैं। ये 2007 से लेकर 2012 तक CLP भी रह चुके हैं और 2022 में 2022-23 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस को भारी मतों से जीत प्राप्त हुई थी। उसके बाद इनको CM अपॉइंट कर दिया गया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे 7 CM हिमाचल प्रदेश के। आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके जरूर बताइएगा ताकि हम ऐसे और एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।